बनाएंगे मैक्सिकन स्पाइसी राइस। बॉईल करना है तो सिर्फ मैं राइस को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और हम इसको बॉईल करेंगे विनेगर के साथ। पहले तो हम ऐड कर देते हैं ये हरी प्याज का जो हमारा वाइट वाला पार्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा एटलीस्ट सफ़ेद होना शुरू हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत, यानी कि जितना तीखा आपको पसंद है इतनी गोल लाल मिर्चें, जिसको मैंने कैंची से या सीज़र से आपने काट के इसमें ऐड करना। तो मैं ऐड कर दूँगी 4 से 5। फ्राई भी होती रहेंगी और अच्छा सा एक स्पाइसी सा फ्लेवर भी देंगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, फ्रेश गार्लिक है वो शामिल कर रहे हैं। ये आ गई गार्लिक, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और चिकन को भी हमने देखते जाना है। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं पानी, अच्छा। दो तरीक़ों से आप इसको सर्व कर सकते हैं, एक तो ये कि क्रीमी सॉस आप इसमें मिक्स कर दें और मिक्स करके सर्व कर दें, और एक तरीका ये हो सकता है कि आपने पहले प्लेटर में चिकन निकाली और चिकन के ऊपर आप अपने इस क्रीमी सॉस को पोर कर दें। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं और मैं स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर देती हूँ बीन्स, ताकि वो गलना शुरू हो जाए। मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो पकना शुरू हो जाए, और अगर आपके पास ये बॉईल हैं तो फिर आप इसको लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन बीन्स की जगह आप इसमें रेड बीन्स का और वाइट बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसए में मैक्सिकन खानों को टेक्स मैक्स भी कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसी से खाने हैं, ज़रूर थोड़ा सा हट के ट्राई करें। चलिए साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें गार्लिक, 3 अदद लहसुन के जवे हैं ये ऐड कर देते हैं, शिमला मिर्च की कटिंग करनी है जो हम इसमें शामिल करेंगे। बॉटल में बंद करके तो हम लहसुन को रखते ही हैं पीस के, लेकिन अच्छा है कि कुछ खानों के लिए अगर आप फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल करें। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, मैं इसको ढक के थोड़ा सा पकाऊंगी, स्पेशली बीन्स गल जाएं। लहसुन ऐड करने के बाद आप जल्दी से जा चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया है। आखिर में ऐड कर देते हैं लेमन जूस और थोड़ा सा हरा प्याज मैं अभी भी ऐड कर देती हूँ। इसको अब हमने कुछ भी नहीं करना, सर्व करना है इस क्रीमी सॉस के साथ। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी आँच बंद कर दी थी ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। अब दोबारा से खोल देते हैं और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जूलियन में कटा हुआ चिकन शामिल करेंगे इसमें। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स, थोड़ा सा इसका कलर वाइट होना शुरू होगा तो मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी, और जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा स्प्रिंग अनियन का वो तो हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट। नमक मैंने इसमें अब तक ऐड नहीं किया है, याद रहे कि सॉल्ट हमने शामिल किया था चावलों को बॉईल करते वक्त भी, तो अब इतना सॉल्ट ऐड कर देते हैं जो चिकन के लिए और इस मसाले के लिए काफ़ी हो। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताना है मैक्सिकन कुछ फूड के नाम और फिर आप जीत सकते हैं एनएक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। मैसेजेस कर सकते हैं अगर कॉल नहीं मिल पाती है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 888-1 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च, हरा प्याज शामिल करेंगे थोड़ा सा एंड में। सौते करते हैं इतना कि चिकन कुक हो जाए, वैसे तो बारीक बारीक से स्ट्रिप्स कटे हुए हैं, बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, टोमेटो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और आप इसमें कुछ हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह, मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चावलों के साथ टॉस करके इसको सर्व कर देंगे।
अगेन आप इसको रेड चिलीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें अगर आपने इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट बनाना है तो ऐड किया जा सकता है। चलें जी, ये हो गया और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिप करके रखती हूँ पानी में ताकि हम सर्विंग में इसका इस्तेमाल कर लें। एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी और एक हरा प्याज, इसको भी कट करके रख देते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, मिक्स और टॉस करना है। जो हमारी क्रीमी चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसको भी मैं खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और एक अदद ग्रीन चिली। चिकन को भी टॉस करते चलते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा तो आपके लिए चावलों को भी मिक्स और टॉस करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ये हो गया, इसमें ऐड कर देते हैं एक अदद चिली। फ्रिज में रख देते हैं, कभी भी सब्जियां थोड़ी सी मुरझा जाएं, हल्के से नमक मिले पानी में आप उसको डिप कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाती हैं। स्पेशली अगर ग्रीन वेजिटेबल हैं वो आप इसमें शामिल करके रख दीजिए। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब क्या करते हैं, इसमें राइस ऐड करते हैं और थोड़ा सा राइस को इसके साथ दम भी लगा देंगे ताकि अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए, राइस ज़बरदस्त से हमारे चटपटे से हो जाएं और आखिर में इसमें जाएगा हरा प्याज। ढेर सारा हमने हरा प्याज चॉप करके रखा है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ना सिर्फ ये कि इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी बल्कि इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, ढक देते हैं इसको। ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मैं क्रीमी चिकन को सर्व करती हूँ, इसको मैं बंद कर रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए, दम लगा रहे हैं।